बेशक सरकारी स्तर पर नशे पर लगाम लगाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं, पर बावजूद इसके जिस तरह नशा फैला हुआ है, इसे रोकने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक स्तर पर आक्रामक प्रयास की आवश्यकता है। ये बात हिमाचल प्रदेश का खेलों के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री ने सामाजिक संस्था यश हिमाचल प्रदेश द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आयोजित शपथ कार्यक्रम में कही। बेशक सरकारी स्तर पर नशे पर लगाम लगाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं, पर बावजूद इसके जिस तरह नशा फैला हुआ है, इसे रोकने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक स्तर पर आक्रामक प्रयास की आवश्यकता है। ये बात हिमाचल प्रदेश का खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री ने सामाजिक संस्था यश हिमाचल प्रदेश द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आयोजित शपथ कार्यक्रम में कही। ये जानकारी यश हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता सुभाष ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। इस मौके पर राजेंद्र कुमार, विवेक कटोच, रोहित शर्मा, आशीष भाटिया, नीरज रावत, अमित ठाकुर, अमन ठाकुर समेत जिला हमीरपुर के विभिन्न हिस्सों से संबंधित लगभग 100 युवाओं ने कभी नशा न करने पर नशे के खिलाफ संस्था के अभियान में बतौर ब्रांड एम्बेसडर कार्य करने की शपथ ली। यस, हिमाचल ने जो अभियान शुरू किया है नशे को मुक्त करने के लिए, हम उसका समर्थन करेंगे तथा मैं भी किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करूंगा और मैं अपने किसी भी दोस्त को किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करने को नहीं दूंगा तथा और मैं उन्हें इन सभी किसी भी हर प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह दूंगा। यह है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम कभी नशा नहीं करेंगे और अपने दोस्तों को भी सलाह देंगे कि कभी नशा ना करें। यश, हिमाचल ने जो संस्था शुरू की है, हम उसका समर्थन करते हैं और हम ये शपथ लेते हैं कि हम खुद भी नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी नशा करने से रोकेंगे। सामाजिक संस्था यश हिमाचल द्वारा जो नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, हम इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं तथा शपथ लेते हैं कि भविष्य में हम किसी भी प्रकार का ड्रग का सेवन नहीं करेंगे। नरेंद्र अत्री ने मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र के केवल एक युवा के नशे के चंगुल में फंसने से न केवल उसके परिवार पर ही फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका दुष्प्रभाव पूरे क्षेत्र, समाज व राष्ट्र पर पड़ता है। अतः समाज के जिम्मेदार नागरिकों को आगे आकर राष्ट्र की युवा शक्ति को बचाने के लिए नशे के सौदागरों को रोकना होगा, ताकि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे युवाओं को नशे के जाल में फंसा कर राष्ट्र को कमजोर करना चाहती हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे न हो सके। नरेंद्र अत्री ने सामाजिक संस्था यूथ एम्पावरमेंट सोशल सर्विस यश हिमाचल प्रदेश द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान नशा मुक्त खेल व संस्कार युक्त युवा फिट यूथ हिट यूथ अभियान की सराहना की व यश हिमाचल की टीम को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि संस्था की टीम इसी तरह आगे भी सामाजिक गतिविधियां जारी रखेगी। सरकारी स्तर पर नशे की रोकथाम के लिए सराहनीय प्रयास चल रहा है, पर बावजूद इसके जिस तरह नशे की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं, उससे लगता है कि सरकार के साथ साथ सामाजिक तौर पर जागरूक लोगों को, जागरूक संगठनों को इसकी रोकथाम के लिए जागरूक अभियान चलाना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ सामाजिक संस्था यस हिमाचल की टीम को, जिन्होंने ड्रग्स नहीं दूध चाहिए, देश का युवा मजबूत चाहिए नारा लेकर एक अभियान शुरू किया है अपने युवाओं को जागरूक करने का। आज भी लगभग 100 युवाओं ने शपथ ली कि वे खुद भी नशा नहीं करेंगे और अपने मित्र, भाई बंधुओं, पास पड़ोसियों को इसके खिलाफ जागरूकता लाने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं इनको बधाई देता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि जल्द ही हमारा प्रदेश का युवा जो है नशे के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ेगा और जो देश की युवा शक्ति है उसको कमजोर होने से बचाकर सशक्त करके देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया है, विभिन्न क्षेत्रों में अपना सकारात्मक योगदान देगा।